कामरान साहब मुझे ये कहिएगा, बताइएगा कि अभी जो एक बार बार हम देख रहे हैं एक सिचुएशन बनी हुई थी कागजात नामजदगी को लेकर, बहुत सी वीडियो सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानेब से एतराज़ात भी उठाए जा रहे थे, बल्कि हम देख भी रहे थे कि उनके उम्मीदवार जो थे उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता था कागजात जमा करवाने से पहले, या फिर उनको आवाम इकट्ठी करके फिर कागजात जमा करवाने का चांस मिल रहा था। और फिर आपने वो भी देखा होगा परवेज़ इलाही साहब, उनकी अहलिया के साथ जो सलूक हुआ उसकी भी एक वीडियो सामने आ रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है अभी? ये पहले की बात जो है किसी प्रोग्राम में की थी, तो मैंने इनको पीटीआई वालों को ये ऑफर की थी कि अगर वो उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने पेपर फाइल करवा सके, इतने मम्मी डैडी टाइप के लोग हैं ये, तो फिर बेहतर ये है कि ये काम उनके पेपर जमा कराने का काम जेयूआई को दे दे, हम उनके पेपर जमा करवा देते और ताकि और सर, लेकिन वो वीडियोस में तो वो नॉर्मल तरीके से जैसे जमा करवाए जाते हैं, किस तरीके से करवाने चाहिए थे वो आगे से वीडियो? अब ये वीडियो इनके क्या आजकल फोटोशॉप नहीं होता, पता नहीं क्या क्या वीडियो, कितनी वीडियोस फोटोशॉप हो सकती है। आप पेपर फाइल करने में मुझे खुद 2 दिन लगे, मगर मैंने तो किसी से गिला नहीं किया, मैंने यहाँ वाइफ के पेपर फाइल करवाने थे, 1 दिन गया हूँ उसमें से गलतियां निकली हैं, दूसरे दिन गया हूँ फिर गलतियां निकली हैं, फिर उसके बाद वो गलतियां दुरुस्त करवाई हैं, तो 2 दिन लगा के फिर फाइल किए, और जिस वक्त जो लास्ट टाइम पेपर फाइल हुए उस वक्त भी 3-4 घंटे जो है ना मुझे बैठना पड़ा, यानी मुझे सारा शहर मेरा जानता है, इसके बावजूद जो है ना मुझे 2 दिन और फिर जिस वक्त फाइल हुए 4 घंटे मजीद लगे। तो दूसरों को भी इसी तरह से टाइम लगता है, वो अगर इतने नाजुक मिजाज के लोग हैं कि उनसे बैठा भी नहीं जाता, उनसे खड़ा हुआ भी सर, लेकिन पेपर्स छीने जा रहे थे ना, उस पे क्या कहेंगे? हमने नहीं देखा, बलूचिस्तान में हमने नहीं देखा, और वैसे भी ये कैमरे का दौर है, इसमें तो हर आदमी के हाथ में टीवी स्टेशन है, यही तो बात है ना कि वही तो बता रही हूँ कि कैमरे का दौर है, इंटरनेट पे सब वीडियोस मौजूद है। उसके साथ ये भी दौर तो है ना कि जो मर्जी जिस तरह की उसको जितना मर्जी एडिट कर ली थी, जिस तरह से मर्जी फोटोशॉप कर ली थी, ये भी तो दौर है ना। हमने देखिए, हम क्वेटा में बैठे हुए हैं, एक ऐसा केस नहीं देखा कि जिसमें पीटीआई का कोई शख्स जो है वो आया हो और उसने जो है ना कोई इस तरह की उसके साथ हरकत हुई हो। सबने अपने पेपर फाइल किए बलूचिस्तान सूबे के लिए, मैं खुद जो है ना वेटनेस हूँ, या किसी के साथ कोई ऐसा जो है ना सलूक नहीं हुआ। अपना इनके जो स्पीकर साहब थे वो अलग के वो गायब हैं, बहुत अच्छे से गायब हैं, उलियत बदली किया। चलिए लास्ट मिनट है कामरान साहब, कितने आप पूरे एतमाद हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद हो जाएगा, जेयूआईएफए का सीट एडजस्टमेंट का मामला हल हो जाएगा, और कितने दिनों में? ये बात बड़ी साजिश है। पहली बात जो है ना उसमें पहला ऑप्शन ये होता है कि कौन आपके नजरियात के करीब है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों पार्टियों का मफाद क्या है। तो ये तो लीडरशिप फैसला कर देगी, हमने मन वन चलना है उसके ऊपर, मगर लीडरशिप भी जो है ना वो अदारों के फैसलों के ताबे होती है। ठीक, तो उस वक्त का इंतजार कीजिए जब पार्टियों के अदारे और लीडरशिप इस फैसले कोई फैसला कर दे दोनों तरफ से, उसको हमने लेके आगे चलना। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।